नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हो गया है 2 जुलाई 2024। आज के मोस्ट 20 करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैनल पर डेली 7:30 बजे 20 करंट अफेयर कराए जाते हैं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे के चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार धनराशि की घोषणा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में IAS मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश यानी कि UP के। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्सिला वान डेर लेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत C4 को लॉन्च करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लकड़ी बहन योजना की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर स्वामिनी आशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एसवसनी पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ MEP। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासुली शेट्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में सुजाता सोनिक ने किस राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पल्लई करनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा दंड संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुरस्कार पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस नागेश कुमार। नेक्स्ट है, चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अगले विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत के अगले जो है विदेश सचिव बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्त्री आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम होमवर्क की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने किस सीमेंट कंपनी में 22.77% हिस्सेदारी खरीदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट जरूर करिएगा।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।